भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता आज से लागू हो रहा है। इस समझौते में द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के सभी पहलू शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के विकास और सुरक्षा संबंधी मुद्दों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। जम्मू में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ आतंकवादी मारे गए। माता वैष्णो देवी मंदिर और अन्य स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों की सेहत को लेकर भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति रिपोर्ट जारी की है। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने विधानसभा डायरी 2023 का विमोचन किया। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET शुरू हो गई है। इसका समापन 7 फरवरी को होगा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने सूचना के आधार पर कांटी थाना क्षेत्र से कॉन्ट्रैक्ट किलर समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र के गुटनी मोड़ के पास दुकानदार से 20 लाख से अधिक लूटकांड के अंजाम देने वाले 2 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। गोपालगंज में उत्पाद विभाग और जिला पुलिस द्वारा शराब तस्करी में जब्त वाहनों की समाहरणालय सभाकक्ष में बोली लगाकर नीलामी की गई। पश्चिम चंपारण के इरफान का दिव्यांग T20 क्रिकेट विश्व कप जीत में शानदार प्रदर्शन करने के बाद घर वापसी से उनका भव्य स्वागत किया गया।